इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सेक्स सिटी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज नई खबर के साथ अवामी नुमाइंदे जिन पर अवाम भरोसा करती है, इनके असल चेहरे सामने आ रहे हैं। सामाजिक खदमतगार और इंसानी हुकूक तहरीक यानी नागरिक हक होराट के सदर दिनेश कलहली ने और तीन सफेद पोश लीडरों की काली करतूतों की सीढ़ी मंजरे आम पर लाने की बात कही है। इसके इस बयान के बाद अक्सर नेताओं के चेहरे से रंग ही उड़ गया। कईयों को फाइव स्टार का खाना भी बीमार खाने की तरह लग रहा है। आखिर कौन है ये और तीन लोग, ऐसा सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है। तो अधिवेशन हॉल में एक दूसरे की तरफ शक से देखते नेताओं के चेहरे भी पड़े जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। खैर, रमेश जारकीहोली की वजारत तो इस सीढ़ी ने छीन ही ली है, पर अभी ये मामला रुकता नजर नहीं आ रहा। पार्टी से निकालने की तक मांग की जा रही है। साफियों से बात करते हुए दिनेश कल्लड़ी ने बताया कि और भी लीडर हैं जिनकी रासलीला मंजरे आम पर लाना है। अब इन तमाम बातों से यही लगता है कि जिन नुमाइंदों को आवाम अपने मसाइल हल करने के लिए ऐवान या असेंबली भेजती है, महज अय्याशी के लिए ही तो जाते हैं क्या? क्योंकि ऐसे कई लीडरों को देखा गया जो असेंबली में बैठकर फहश फिल्मों को देखते रहते। इसका मतलब क्या बस यही एक काम को अंजाम देने के लिए बतौर नुमाइंदे इन्हें भेज दिया जाता है? विपक्ष का इल्जाम है कि पार्टी का नारा तो वैसे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, पर बेटियों की इज्जतों को किस तरह तार तार किया जा रहा है, इसकी मिसाल बारह सामने आ रही है। और अक्सर भाजपा में ही इस तरह की वारदातों को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। दिगर पार्टियों की जानिब से पूछे जा रहे जिस तरह से नौकरी देने के बहाने लड़कियों की अस्मत रेजी का खेल खेला जा रहा है, सीडी मामले पर संजीदगी से सोचा जा रहा है, अब तो इस सीडी की वजह से भाजपा हुकूमत गिरने के भी इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। वैसे तो कांग्रेस एमएलए सतीश जारकीहोली की जानिब से इसे बतौर साजिश करार दिया जा रहा है। इन्होंने सियासी इंतकाम की वजह से वारदात को अंजाम देने की बात कही है। इस्तीफा जल्द देना था, कुछ देर लगाई, कुछ लोग सियासत और खानदान को मिला रहे हैं, जबकि रमेश जारकीहोली का यह जाती मामला है। सियासत की तेज रफ्तार गाड़ी के तौर पर रमेश जारकीहोली को देखा जाता था, लिहाजा उन्हें बार बार इसका मशवरा भी दिया जाता था कि बतौर एक सियासतदान चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम पर कोई नजर रख रहा है। वही इनके भाई बालचंद्र जारकीहोली ने भी इसे साजिश का हिस्सा कहते वीडियो को रशिया से अपलोड करने की बात कही है। जो भी हो, अब जारकीहोली फैमिली इसे साजिश साबित करने की कोशिश करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रही। जिस तरह तकरीबन मोबाइलों में वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया गया, अगर साजिश भी है तो वीडियो में रमेश जारकीहोली ही होने की बात कही जा रही है। कहने का मतलब, अगर साजिश का हिस्सा मान भी लिया जाए तो क्या वीडियो में नजर आने वाला शख्स कोई और है? वीडियो फर्जी होने की बात लेकिन किसी के गले नहीं उतर रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। भले ही रमेश जारकीहोली की हिमायतों को यह बात को कबूल करने में यकीनन तकलीफ हो रही हो, पर इतना जरूर है कि साजिश में आसानी से फंसे हुए हैं। अब वैसे भी यह फैसला फॉरेंसिक लैब क्या देती है अपनी जगह पर है, पर अब तक तो जो जहनी तनाव से जारकीहोली फैमिली गुजर रही है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस्तीफे के बाद क्या वजीर आला एडोपर रमेश जारकीहोली को लेकर फैसला लेंगे? अब इनकी जगह पर भालचंद्र जारकीहोली को वजारत हासिल होगी या फिर उमेश कत्ती को मौका दिया जाएगा? कहा यह भी जा रहा है कि ये सीढ़ी बम की गूंज मुल्क की सतह पर सियासत में भी देखी जा सकती है। कांग्रेस में भी दो गिरोह देखे जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खुश नजर आ रहा है तो एक दुखी भी है, क्योंकि कई ऐसे कांग्रेसी आज भी मौजूद थे जो रमेश जारकीहोली के रास्ते में थे। अब जब सीढ़ी के काले कारनामों की शुरुआत हुई है तो अब देखना यह है कि वो और कौन से महान लोग हैं जिनके काले धब्बे आवाम के सामने आने हैं। कहते हैं पराई नार पराई धन पर नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अब बदल डालो। देखा यह जाता है कि अमीर या गरीब जो भी औरत के फितने में मुलविस होता है, जिल्लत यकीनन इसके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती है। बड़ी बड़ी बादशाहत को अय्याशियों में फना होते देखा है। यह इबरत भी है कि सिर्फ बदनामी के कुछ ही लोगों की होती है, जायज और हलाल कामों में बरकत होती है और नाजायज और हराम में रुसवाई ही होती है। सीढ़ी के जरिए वजारत का इस्तीफा महज एक मिसाल है, लेकिन अवाम को चाहिए कि बुरे कामों से बचने की कोशिश करें, हम ऐसे मामलों से इबरत हासिल करें। इज्जत को सारे बाजार उछाला जाता है तो इसके सामने दौलत ओहदे भी बहुत कम पड़ जाते हैं। इंसान को यकीनन दौलत शोहरत इज्जत ओहदों मरतबों की लालच होती है, पर हर चीज के अपने दायरे होते हैं। वैसे भी
इज्जत और जिल्लत का मालिक तो खुदा बरहक है, वो जिसे चाहे बेहिसाब दौलत दे देता है, जिसे चाहे इज्जत दे दे, उसकी मर्जी। पर इंसान के अख्तियार में इतना जरूर होता है कि हलाल और हराम की तमीज करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।